वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में सातवें चरण के अंतर्गत प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों और दुधी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए 1 जून को मतदान होगा। सातवें चरण के इन सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं जिनमें 134 पुरुष और 10 महिला प्रत्याशी हैं। वही आज सातवें चरण के चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार थम जाएगा। चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रेडवा ने की मतदाताओं से अपील की है। उन्होंने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इन क्षेत्रों के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।